हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजस कॉर्नर। सो आज के वीडियो में हम ये लजीज तंदूरी कीमा बनाने का सीखेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं ये थोड़े से कुछ खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ। ये अंदर काली मरी है 8-10, 4 लौंग है, 1 तेज़पत्ता है, 1 सिनेमन स्टिक है और 1 सूखी लाल मिर्ची है, वो मैं अंदर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा जीरा। ये सब कुछ मैं अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड कर देने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर भून लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मैंने ऐसे फाइनली चॉप्ड कर लिया है और उसको मैं अंदर ऐसे ऐड कर दूँगी। ऐड कर देने के बाद हम अच्छे से खड़े मसालों में इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए हमारी अनियंस जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 500 ग्राम्स मटन कीमा यूज़ कर रही हूँ और अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और बिल्कुल पानी मैंने निकाल लिया था, इसका जो इसका एक्सेस वाटर था वो सारा निकाल लिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसके अंदर फ्रेश ग्रीन चिलीज़ को यूज़ कर रही हूँ। अंदर मैंने 5 ली है। उसके बाद मैंने 2 TSP मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट अंदर ऐड कर दिया और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कीमे का रंग भी थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट, 2 TSP हल्दी पाउडर, 3 TSP धनिया पाउडर, 1 TSP गरम मसाला और 3 TSP रेड चिली पाउडर को मैं अंदर ऐड कर दूँगी। बस हम इतने ही ड्राई स्पाइस यूज़ करेंगे और हम इसके अंदर अच्छे से ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर 1/2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड कर लेने के बाद मैं इसका लीड लगा दूंगी और 2 विसल हम हाई फ्लेम पे होने देंगे और 2 विसल हम लो फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ मेरी 2 हाई और 2 लो विसल हो चुकी थी और उसके बाद मैंने कुकर को ऐसे ओपन करके देख लिया और हमारी जो प्याज है वो थोड़ी गलनी बाकी है, इसलिए मैं थोड़ा अंदर जो ऐसे ऐसे हम स्पैचुला को ऐसे करेंगे तो हमारी जो प्याज होगी वो गल जाएगी, मतलब मैश हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच तंदूरी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद हम ये कीमे में कोल का स्मोक देंगे। तो यहाँ मैं कोल का स्मोक दे रही हूँ और कुकर के लीड को ऐसे बंद करके हम 5 मिनट रहने देंगे और 5 मिनट के बाद ओपन कर लेंगे और कोल इसके अंदर से निकाल कर हम इसके अंदर बटर ऐड कर देंगे। और बटर ऐड करने के बाद हम इसका जो लिड है वो बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो बटर का फ्लेवर है वो उसके अंदर ऐड हो जाए। और 5 मिनट के बाद हम तंदूरी कीमे को सर्व करेंगे। या तो यहाँ हमारा तंदूरी कीमा रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और हाँ कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।